केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट की कड़ी फटकार। लापरवाह सरकार, केजरीवाल को सिर्फ सत्ता की चाह। घड़ियाली आंसू बहा रहे मंत्री, दिल्ली की जनता बदहाल। शराब कांड में जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जब तक एक मुश्किल का हल केजरीवाल निकालते हैं, तब तक दूसरी मुसीबत उनकी चौखट पर दस्तक दे देती है। कोर्ट से राहत मिलना तो दूर, अब उन्हें फटकार लग रही है। अब नया मामला दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में किताबें और यूनिफॉर्म मिलने में देरी का है, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को खूब सुनाया है। कड़े शब्दों में कहें तो लताड़ लगाई है। दरअसल सोशल ज्यूरिस्ट नाम के एक संगठन ने कोर्ट में याचिका दाखिल करके आरोप लगाया था कि नगर निगम की आपसी खींचतान की वजह से एमसीडी के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को किताबें नहीं मिल रही हैं। साथ ही बच्चे टीन शेड के नीचे पढ़ाई करने को भी मजबूर हैं। अब इसे आप विडंबना ही कहिए कि जिस शिक्षा नीति की केजरीवाल तारीफ करते नहीं थकते थे, रात दिन उसके कसीदे पढ़ते थे, उसी शिक्षा नीति को लेकर अब केजरीवाल सरकार कटघरे में खड़ी है, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर बेहद सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है, दिल्ली सरकार को सिर्फ सत्ता में दिलचस्पी है। गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा न देकर अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय हित के ऊपर निजी हित को ऊपर रखा और दिल्ली सरकार का सत्ता अहंकार चरम पर है। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच इस कदर नाराज हो गई कि उन्होंने दिल्ली सरकार के वकील को यहां तक कह दिया कि आप कोर्ट की शक्ति कम आंकने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि किताबों और यूनिफॉर्म को बंटवाना कोर्ट का काम नहीं है, लेकिन कोर्ट ये सब इसलिए कह रहा है कि कोई व्यक्ति अपना काम ठीक से करने में नाकाम रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के सौरभ भारद्वाज पर भी तीखी टिप्पणी की और कहा कि सौरभ भारद्वाज ने छात्रों की हालात पर आंखें मूंद ली हैं और घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी उस वक्त की जब दिल्ली सरकार के वकील शादान फरासत ने कोर्ट को बताया कि उन्हें दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज से निर्देश मिले हैं कि एमसीडी की स्थायी समिति की गैर मौजूदगी में किसी उपयुक्त प्राधिकारी को शक्तियां सौंपने के लिए मुख्यमंत्री की सहमति की जरूरत होगी, जो अभी हिरासत में है। इस दलील पर चीफ जस्टिस मनमोहन ने कहा, ये बहाना नहीं चलेगा। दिल्ली सरकार खुद चाहती थी कि केजरीवाल जेल में रहते हुए सरकार चलाएं और हाईकोर्ट ने खुद अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली कई याचिकाओं को खारिज किया है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील शादान फरासत से कहा कि या तो आपको निर्देश देने वाले के पास दिल नहीं है या आंखें नहीं है, उन्होंने कुछ भी न देखने का फैसला कर लिया है। कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली सरकार को 2 दिनों में जरूरी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। कोर्ट के मुताबिक अगर स्टैंडिंग कमेटी किसी भी वजह से नहीं बन पा रही है तो दिल्ली सरकार किसी उपयुक्त अथॉरिटी को वित्तीय अधिकार दे। बेंच ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि वो 2 दिन में जरूरी कार्रवाई करें। अब मामले में अगली सुनवाई सोमवार यानी 29 अप्रैल को होगी। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।